जब आपकी गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका था तो मेरा दिल था कि आपकी गाड़ी में डैन ना लगाया जाए, क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज प्रमोद एंड वी आर इनटू सीएनजी बिजनेस सिंस 2011। तो दोस्तों आपके जो सामने गाड़ी दिखाई दे रही है ये है मारुति की इग्निस। मुझे तो बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है ये, और जितनी भी मारुति की ये गाड़ियाँ हैं जैसे इग्निस हो गई, स्विफ्ट हो गई, आपकी बलिनो हो गई या फिर आपकी वैगनार जो 1.2 लीटर में आती है, सबका ऑलमोस्ट इंजन सेम है। ये जो BS6 गाड़ी है इसके अंदर चार इंजेक्टर्स ही आते हैं, बाकी आपकी स्विफ्ट हो गई उसमें आपके 8 इंजेक्टर्स आते हैं, बट ये गाड़ी चलने में बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो कंपनी इसको 20 का माइलेज क्लेम करती है और 20 का निकालती भी है माइलेज ये। अगर आप इसको एक 70-80 की स्पीड पे गाड़ी को चलाते हो तो 20 तक का माइलेज निकाल के देती है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर CNG की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है वो तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा। कुछ कस्टमर्स का ये कहना है कि इस गाड़ी में CNG पे 35 की माइलेज में निकल के आती है अगर आप गाड़ी को हाईवे पे चलाते हैं। सिटी की अगर बात करते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की माइलेज कभी काउंट नहीं होती है, तो वैसे 24-25 तक का माइलेज निकाल के देती है। दोस्तों गाड़ी बिल्कुल नई है, ऑलमोस्ट इसको हफ्ता 10 दिन हो चुका है और आज इस गाड़ी के अंदर हमने CNG किट लगाई है। हम इस कार के जो ओनर हैं हमारे पास बहुत दूर से चल के आए हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हैं, हमारा भी फर्ज बनता है इस गाड़ी के अंदर जेन्युइन काम किया जाए। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर जो किट रिकमेंड की थी वो थी BRC, और इन्होंने हमारी वीडियोज में देखा था कि इस गाड़ी में इनका जो दिल था वो डायनेमिक लगवाने का था। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट नहीं होती है। इस गाड़ी के अंदर हमने डायनेमिक नहीं लगाया है क्योंकि बिल्कुल नई गाड़ी है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें किसी भी तरह के एडवांसर लगाने की। कुछ गाड़ियां हैं आपकी हुंडई की गाड़ियां हैं, टाटा की गाड़ियां हैं, उनमें काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है, बट मारुति की इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने इस गाड़ी की करीबन 3 से 4 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ली है। 3 से 4 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव में हमें आइडिया लग जाता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है और कैसी इन फ्यूचर में आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको फिटिंग दिखा देता हूं। BRC की जो किट है वो सभी वीडियोस में दिखा होगा, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सबके सेम पार्ट्स होते हैं, और जो इसका रिड्यूसर है वो खैर सिंगल स्टेज रिड्यूसर आता है। ये BRC का जो GFI है उसका ट्रेडमार्क है। जितनी भी वायरिंग आपको दिखाई देगी सारी की सारी वायरिंग ट्रिपल लेयर है। फिटमेंट बहुत प्यारी हुई है इस गाड़ी के अंदर। ECM जो है यहाँ लगाया हुआ है। इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई एडवांसर नहीं है, किसी भी तरह का कोई डायनेमिक स्टेरिंग कुछ नहीं है इस गाड़ी के अंदर। मैंने ही कस्टमर को इस गाड़ी में एडवांसर के लिए मना किया था, इनका कहना था कि मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने से महंगा एडवांसर लगा दीजिए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ चीजें गाड़ी में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं। तो BS6 की नई गाड़ी है, इसमें हमने एडवांसर नहीं लगाया है। इस कार के जो ओनर हैं उन्होंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है, तो उनसे भी पूछेंगे कि आज जो गाड़ी का इन्होंने टेस्ट ड्राइव किया है और जो हमने इनको डायनेमिक के लिए मना किया था वो डिसीजन शायद अच्छा ही होगा। बैक साइड से इस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर है, हमने इस गाड़ी में 12 किलो का सिलेंडर लगाया है, और 12 किलो के सिलेंडर में हमें उम्मीद है कि गैस इसके अंदर 8-8.5 किलो तक गैस आएगी। दोस्तों आज की डेट में जितनी भी आप मारुति की गाड़ियां देखते हैं फैक्ट्री फिटेड, उसके अंदर आपका जो स्टेपनी है वो खड़ी पोजीशन में आती है, यानी कि वर्टिकल नंबर में आती है। और हम जैसे स्विफ्ट में लगाते हैं, आपकी बलिनो में लगाते हैं, उनमें हमारी स्टेपनी नीचे की तरफ चली जाती है, बट ये जो गाड़ी है इग्निस इसमें हमने स्टेपनी को खड़ा किया हुआ है क्योंकि इसमें जो गहराई है वो थोड़ी ज्यादा है, बट हमने प्रॉपर इसके अंदर आपका ये कवर लगा के दिया है। हमारा इसमें ब्रांडिंग हो रही है इजी ड्राइव के नाम से, और काफी सामान इन्होंने रखा हुआ है इसमें। और इस गाड़ी के अंदर टायर नीचे नहीं आता है, यानी कि स्टेपनी आपकी ऐसी ही पोजिशन में आएगी। और जो BRC का स्विच है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि BRC का जो स्विच इसमें कैसे हमने लगाया है। GFI के नाम से इसमें ट्रेडमार्क है, तो ब्रांडिंग जो है वो GFI के नाम से है। चाबी देना, ये
राउंड स्विच में आता है बीआरसी की जो जीएफआई है या फिर जवोली है, दो ट्रेडमार्क हैं अपने दिल्ली एनसीआर में, तो खैर जीएफआई ही चलता है। राउंड स्विच आता है, ये चारों के चारों जो डॉट्स हैं वो ग्रीन हो गए हैं, यानी कि गाड़ी आपकी पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्ट हो चुकी है। इस गाड़ी के अंदर हमने आपके कूलेंट के कनेक्शंस भी किए हैं, थोड़ा ठीक रहता है, और बीआरसी किट में तो हम वैसे करके चलते ही हैं। जिस कार के ओनर हैं उनको भी मैं इस वीडियो में लाऊंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि गाड़ी की फिटमेंट कैसी लगी उनको। सर, इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप काफी दूर से हमारे पास चलते हैं, सोनीपत से, और टेलीफोनिकली हमने फिक्स कर लिया था कि मैं क्या लगाना है, डायनेमिक लगाना है। जब आपकी गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका था तो मेरा दिल था कि आपकी गाड़ी में डायनेमिक ना लगाया जाए, क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो सबको ऐसा लगता है कि सभी गाड़ियों में डायनेमिक लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता है सर। और ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसी है, कई गाड़ियों में बिना डायनेमिक के, बिना किसी भी एडवांस के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकलती है और इन फ्यूचर में भी अच्छी रहती है वो। तो आपने अपनी गाड़ी ड्राइव की है, 2-4 किलोमीटर ड्राइव की होगी आपने, तो परफॉर्मेंस तो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बराबर सेम है सर, सेम ही चल रही है, और जैसी पेट्रोल में थी वैसी। मैं एक एश्योरेंस देता हूँ, उस गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और बहुत जबरदस्त माइलेज निकाल के देने वाली है। जी सर। और आज मेरे पास सुबह एक हमने गाड़ी में किट लगाई थी सियाज के अंदर, उनका मैं आपको मैसेज पढ़ाऊंगा। वो हाईवे पे गए हैं लखनऊ, उनकी गाड़ी एक सिलेंडर पे 260 किलोमीटर चली है। 260 चलने का मतलब समझते हो सर, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस सियाज जैसी गाड़ी का, जिसका इंजन 1400 है, ये तो आपकी 1200 cc है, तो ये तो आपकी वैसे ही बहुत अच्छी चलने वाली है। जी दोस्तों, ये तो रहा इग्निस, BS6 है, अप्रूवल्स वगैरह नहीं है BS6 के अंदर, पेपरों पे बिल्कुल नहीं चढ़ती है। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।